हेलो गाइस, तो मैं है उसामा और आज मैं आपको एक दो फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा और इसके साथ साथ एक इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो है ये बनाने लगा हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको दूंगा इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि फीफा वर्ल्ड कप कतर में होने वाला है, सिंस मैं कतर में रहता हूँ तो थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो मुझे लाइक कर देना, कॉमेंट करके बताना कि मैं क्या गलत करता हूँ, क्या सही करता हूँ, क्या बनाना चाहिए मुझे। उसके हाँ, तो पहला फैक्ट ये है कि अगर आप कतर में किसी भी गैर ज़रूरी जो इस्लामिक वैल्यूज़ के अगेंस्ट कोई ऐसी चीज़ है, हरकत है, वो करोगे तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि क्या कहते हैं, ये तो भूल गया मैं क्या कहते हैं, अच्छा हाँ याद आ गया ये कि आप लोगों को पता है कि पूरी दुनिया भर में बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज हैं, सिटीज़ हैं जहाँ पर प्राइड वॉक वगैरह चल रही थी, सब प्राइड वॉक पे निकले हुए थे जो कि एलजीबीटी को सपोर्ट करते हैं। सिंस कतर जो है एक इस्लामिक कंट्री है और यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, तो उसकी वजह से अगर तो आप कहीं से भी आ रहे हो और आप में भी वो वाले बैक्टीरिया हैं और आपको लगता है कि आपके साथ वाला आपका कोई दोस्त या आप इस चीज़ में हो और अपने आप को रोक नहीं सकते और कतर में आके कोई ऐसी चीज़ करते हो और पकड़े गए तो आपको जेल भी हो सकता है और उसके साथ साथ फाइन भी हो सकता है। इसी तरह के यहाँ पे जो शॉपिंग मॉल हैं या शॉप्स हो गई, वहाँ पे कोई भी गैर अखलाकी या ऐसा प्रोडक्ट मिल गया जो कि डिनोट करता हो किसको, ये आपके सेक्सुअल, ये जो एलजीबीटी का जो सिंबल है, ये जो फ्लैग है, कलर्स हैं, तो उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा और उसको पकड़ के डाल देंगे। तो आप सबकी टांगें छत से लगने ना दूं मैं, उसके लिए मैंने ये सारी बातें बताई हैं कि ऐसा कोई भी काम नहीं करना जो आपकी टांगें छत से लगवा दें यहाँ पे। तो मैं भी शेयर पे एक क्या कहते हैं अभी स्क्रीन पे मैं शेयर भी कर देता हूँ पिक्चर। तो ये बात जो मैं बता रहा हूँ, अब जैसे कि पूरी दुनिया भर में फैंस हैं ओके फुटबॉल के, अब उसमें औरतें भी शामिल हैं और अगर तो वो ट्रैवल करके कतर आ रही हैं और इमिग्रेशन से भी उन्होंने क्लियर कर लिया और उनके बक्से में गैर इखलाकी सामान है, वो मैं एक और पिक्चर भी शेयर करूंगा। एक फेसबुक पे हमारे भाई का कमेंट भी आया था, कह रहा था कि क्या लाना नहीं सही है, कौन सा टॉय वगैरह, तो मैं पिक्चर शेयर करता हूँ। खैर, अगर वो तो लेकर आ रही है अपने बक्से में कोई बड़ी अजीब अजीब सी मशीन्स आती हैं जो आपके जिस्म को रिलैक्स करती हैं वाइब्रेट करके, वो है या कोई भी ख़तरनाक सामान कोई चीज़ ऐसी, तो मेरा जो पॉइंट है अभी वो ये है कि मैं उनके लिए फ़िक्रमंद नहीं हूँ लड़कियों के लिए, अगर मैं फ़िक्रमंद हो गया तो जो मेरी फ़िक्र करने वाली है और तो फिर क्या कहते हैं मार डालेगी मुझे, इसलिए मैं उनकी फ़िक्र नहीं कर रहा। मगर ये है कि हाँ, मेरी मैसेज के थ्रू अगर उनको पता चल जाए कि हाँ आपने कोई भी सामान नहीं लेकर आना, क्यों लेकर आना है सामान यार, सामान की ज़रूरत ही नहीं है, आपको यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग मिल जाएंगे, आपकी जो है चाहत जो है वो पूरी हो जाएगी, अपोजिट सेक्स की तरफ रुझान होना चाहिए, सेक्स जो है सेम पे नहीं रहना चाहिए। तो उन लड़कियों को चाहिए कि आए और जो चीज़ लिविंग होती है उसकी बात अलग है, बेजान चीज़ से क्या आप फ़ायदे ढूंढ रहे हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पता नहीं कैसे कर लेते हैं, इमोशंस नहीं है, फीलिंग नहीं है, फिर भी टॉयज इस्तेमाल करते हैं। खैर, तो टॉयज वॉयज लाना ममनू है भाई, कोई टॉयज नहीं लेकर आना। और जो दूसरे जो सेम बैक्टीरिया वाले हजरात हैं, मर्द जो हैं जो लेन देन आपस में करते हैं, उनके लिए भी है कि भाई पब्लिक प्लेस वगैरह पे इधर उधर ये सब कुछ भी मत कर देना और झंडा मत लेकर आना अपने साथ जहाज में, ठीक है, वरना तो इतना पता है गवर्नमेंट से पहले मैं ही। यार आपकी भाभी बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, अगर उसने कभी देख लिया मेरा व्लॉग और उसने देख लिया कि हाँ भाई उसामा साहब तो ये जो लड़कियां हैं उनके लिए फिक्र कर रहा है, उनको थोड़ा सा एजुकेट कर रहा है, गाइड कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हाँ तुम लोगों की फिक्र है, तुम लोग इस तरह का कोई काम नहीं करना जिससे तुम लोग पकड़ी जाओ, तो वो तो भाई पता नहीं क्या करेगी मेरे साथ।
अल्लाह मुहाफिज़ है, मुझे कोई फिक्र नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। ऑडियंस में से एक पोस्ट था जिसमें पोस्ट में था कि इस्लामिक जो वैल्यूज़ हैं उनको देखते हुए ऐसा कोई भी चीज़ नहीं करना जिससे वो डाउन हो, तो उसमें प्रोडक्ट का भी था कि ऐसा कोई भी चीज़ या प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। तो उसमें एक बंदे ने कहा कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट, क्या समझे नहीं, क्या हो सकती है ऐसी चीज़ें। तो एक शपंगू जवान नीचे उसने लिखा है, कहता है कि टूल्स। अब बंदी भी परेशान, ये कौन से टूल्स की बात कर रहा है। फिर उसने बताया कि मैडम डॉट 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 एक्स 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 टूल्स। तो फिर भी मैडम शायद समझी नहीं समझी, खैर उसको ब्रीफ कर देते हैं, एक्स एक्स टूल्स वही है, ख़तरनाक टूल्स। मैं भी ज़्यादा डिटेल में ब्रीफ नहीं कर सकता। टूल्स यही कि यार वो जो अजीब अजीब से केले वेले आते हैं और डॉल्स वॉल्स हो गए, डॉल्स तो खैर नहीं आ सकती, इतनी बड़ी डॉल कैसे लेकर आएंगे। खुद ही इंसान अगर इतना टेक्निकल और इतना फनान है तो खुद डॉल बना सकता है यहाँ पे, मगर जो दूसरी चीज़ें हैं वो नहीं लेकर आ सकता है। तो उस पर बहुत मसला है, इमिग्रेशन भी क्लियर नहीं हो सकती है, ना आप ऑर्डर कर सकते किसी भी तरीके से, ये नहीं आ सकता, बहुत मुश्किल है। हाँ अगर ढके छुपे तरीकों से अगर आया हुआ तो मौस हो सकता है, अवेलेबल हो यहाँ पे। अच्छा तो लास्ट जो मैच होने वाला है वर्ल्ड कप का वो होगा लुसेल पे, और लुसेल जो है बहुत बड़ा स्टेडियम है, बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत इस पर वर्किंग आवर्स लगे हैं, बहुत सारे लेबर्स की मेहनत है इस स्टेडियम को बनाने में। और ये स्टेडियम जो है वो 80,000 लोगों को अकोमोडेट कर सकता है, या गलत कर लिया है मैंने, हाँ 80,000 लोगों को अकोमोडेट कर सकता है ये, और अब क्या अल्लाह भला करें। तो नवंबर से मैचेस स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे, दिसंबर तक चलेगा वर्ल्ड कप, और उसमें बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं यहाँ पे। फूड फेस्टिवल्स होने वाले हैं, स्टॉल्स खाने पीने के, और पार्टी वाले लोगों के जो डिंचक डिंचक वाले हैं उन लोगों के लिए कॉन्सर्ट्स वगैरह भी अरेंज करेंगे। इसके अलावा क्या कहते हैं, कार प्राइड होगा, कार शो वगैरह है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा जहाँ पे मैं आया हूँ, जिस काम से आया हूँ मैं व्लॉग बनाते बनाते, वो उधर तो मुझे सन्नाटे लग रहे हैं, मगर फिर भी एक ट्राई देते हैं यार। एक्चुअली मैं आया हूँ अपना, मेरा सीपीयू जो है उसमें थोड़ा सा एक इशू है, वो फिक्स करना है। हाँ तो उसको तो छोड़ ही देते हैं अभी सीपीयू को, क्योंकि उसके साथ जो है उसको समझ ही नहीं आके दे रहा बंदे को। अच्छा तो अगर ये व्लॉग मेरा अच्छा लगे और लोगों को जो यहाँ पे नहीं रहते, जो कतर से बाहर हैं, उससे वीडियो के जरिए ही कंट्रीज को देख सकते हैं और जगहों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जैसे अभी बहुत सारे फैन होंगे जो नहीं आ सकते क्योंकि यार हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत महंगे, मतलब हंड्रेड्स ऑफ डॉलर के एक एक टिकट है, फिर उसके बाद इतनी ज़्यादा यहाँ पे वो है कि आने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें, होटल बुकिंग और रेफरेंस के किसके पास जा रहे हो, कहाँ स्टे करोगे, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो हर कोई मैनेज नहीं कर सकता। हाँ जो बहुत ज़्यादा वेल ऑफ वेल सेट लोग हैं वही फैंस जो है यहाँ पे आ सकते हैं। अच्छा तो बात यह है कि अगर वो लोग सब लोग देखना चाहते हैं कि यार स्टेडियम कैसा है, रोड्स कैसी हैं, सारी चीज़ें कैसी हैं, तो मैं सबके लिए एक एक वीडियो बना सकता हूँ सारे स्टेडियम्स पे जा जा के, मगर उसके लिए क्या है कि यार लाइक करो, कुछ बताओ, कमेंट शमेंट करो, ताकि मैं अपनी एनर्जी भी वेस्ट कर रहा हूँ और अपना पेट्रोल भी ज़ाया कर रहा हूँ, अपने पैसे भी ज़ाया कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है पैसे लगा रहा हूँ तो यही सोच के लगा रहा हूँ कि शायद आने वाले एक साल में, तो मुझे बताओ कि तो मैं करूँगा। मज़े की बात यह है कि यहाँ पे हर स्टेडियम में जो बने हुए हैं उसमें 15,000 कैमराज इंस्टॉल हैं, अंडर सर्विलेंस हैं, और उससे ज़्यादा भी हैं हर स्टेडियम में। और उसके साथ साथ अभी कतर के पास जो है मज़े की बहुत ऐसा जहाज़ आने वाला है, जहाज़ कौन सा वाला, जेट, फाइटर जेट टाइफून, वो जो है इनका दोस्त जो है लंदन वो भेज रहे हैं इनके लिए। और जो ग्राउंड फोर्सेस हैं उसमें भी जो कतर के अलायंस हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो भी पेट्रोलिंग में शामिल होंगे। तो बहुत सिक्योरिटी ज़बरदस्त है, सेफेस्ट कंट्री है, यानी यार गाड़ी खोल के चले जाओ, फोन टेबल पर रख के चले जाओ, कोई इशू नहीं, घर का दरवाज़ा रात को खोल के सो जाओ ये सोच के कि शायद कोई आ जाए, कोई भी नहीं आता। बस मुझे बताओ कि मैं क्या करूं यार, ऐसा कि मेरे सब्सक्राइबर भी ऐसे हो जाए और मुझे बोले कि उसामा भाई कुछ करो हमारे लिए, मेरे लिए तो कुछ हो जाए पहले, करो यार लाइक वाइक करो, सब्सक्राइब करो यार, मुझे तुम लोगों का एक एक सब्सक्राइब जो है ना
और एक लाइक एक व्यू हो सकता है यार मेरा लाइफ बदल दे। बड़े खुशकार्ड और बड़ी मुश्किलात हैं और मुश्किलात इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, आपको फेस करनी पड़ती है, बट ये हाँ ये है कि शायद इससे सब चीज़ें सही हो जाए। मैं उम्मीद लगा के बैठा हूँ, मेरी उम्मीदों को पानी के साथ बहा मत देना जैसे तुम लोग बाथरूम में बहा देते हो। हाँ तो बस ये वीडियो अभी हम यहीं ख़त्म करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि यार मेरी वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आगे मैं कर सकता हूँ और बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए भी अच्छी हो सकती हैं। बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ।